श्रीनगर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 19वां कैट का बेंच हिंदुस्तान का श्रीनगर में कायम किया गया और जम्मू कश्मीर शायद एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है या रियासत है जहां पर के एक नहीं दो दो सीएटी के बेंच कायम किए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां एक भी बेंच नहीं है और यूनियन टेरिटरी बनने से पहले और 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले महज एक बेंच हुआ करता था कैट का चंडीगढ़ में, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इस सारे के सारे खित्ते को केटर करता था। आज हमारे पास दो बेंच है, जम्मू का बेंच लद्दाख के ज़िले लेह को भी केटर करेगा जबकि श्रीनगर का बेंच लद्दाख के ज़िले कारगिल को करेगा। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाले हमारे एम्प्लॉज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए ये ख़ास इकदाम इनके लिए किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस, और ईज़ ऑफ गवर्नेंस का आखिरकार मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग फॉर दी सिटीज़न। तो हर मुलाजिम अपनी तौफीक, अपनी काबिलियत की बिना पर अपनी खिदमात अंजाम कर सके और सरकार उसके लिए सहूलत मुहैया करे, उसको देख करके ये ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाते हैं ताकि उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए। इस बेंच में बिना बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के वो अपनी बात रख सकता है, बिना वकील किसी की मदद लिए हुए खुद अपना केस रख सकता है, उसकी पैरवी कर सकता है और महज 50 रुपये का फॉर्म भर करके वो इसका फ़ायदा ले सकता है। इन टू यूनियन टेरिटरी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज एंड एज प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन रीट्रीटिंग मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट इन अदर वर्ड्स कुड बी ट्रांसलेटेड ओनली वी कुड फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज टू गिव देम एन एटमोसफियर ऑफ वर्क विच इज़ devoid of intimidation, devoid of distractions, and therefore to facilitate easy redressal of disputes, it was decided that we would have a bench separately for Jammu and Kashmir. Once the bench was set up in Jammu somewhere in the summer last year, there was a demand that we should have one for Srinagar also, and now the Srinagar bench is going to also cater to the Kargil district of Ladakh, whereas the Jammu bench will also cater to the Leh district of Ladakh. And I am sure, and as you rightly mentioned, this is part of the DOPT reforms which have been introduced by Prime Minister Modi. The other ones which have come into being in the last 2 years after it turned into unit territory is the abolition of interviews to provide a level playing field to the young aspirants. We have also set up a civil services examination center at Leh, which is the first of its kind. We have also introduced the Prevention of Corruption Act 1988, amended in 2018, which was not applicable in Jammu and Kashmir because they had their own anti-graft law. So I would now just hope that the officials here and employees here are able to work to the maximum of their potential and to give their best for the development, for the betterment, because ultimately the ultimate objective of ease of governance is to provide ease of living for a common citizen.